गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे इज नेक्स्ट पॉइंट कार्बोनाइजेशन। इससे प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने कुछ कोयले के कुछ टाइप्स देखे थे, जिसमें सबसे गुड क्वालिटी ऑफ कोल अपन ने एंथ्रासाइट देखा था, फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट जो कि लोअर क्वालिटी कोल था। इसमें कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग प्रेजेंस की वजह से अपन ने उसको कैटेगराइज किया था, और कोल का इम्पोर्टेंस आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा है, और इसके रिसोर्सेज भी क्या है, फिक्स है। तो ऐसे में अपने को इसका अल्टरनेट सर्च करना पड़ेगा, अपनी जो डिपेंडेंसी है वो अदर नेचुरल रिसोर्सेज पे डाइवर्ट करनी होगी, नहीं तो इसके रिसोर्सेज जल्दी ही फिनिश हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक कार्बोनाइजेशन प्रोसेस भी है, द स्लो कंजर्वेशन ऑफ वुड इनटू कोल। ये क्या होता है, कार्बोनाइजेशन जो प्रोसेस है वो वुड का कोल में कन्वर्जेशन है, और इस प्रोसेस को काफ़ी ये स्लो होती है, काफ़ी टाइम इसको मैन्युफैक्चरिंग में हो जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि लॉन्ग ड्यूरेबल टाइम में क्या होती है, कंप्लीट होती है। द स्लो कन्वर्जेशन ऑफ वुड इनटू कोल बाय ए बायोकेमिकल प्रोसेस एक्सटेंडिंग ओवर ए मिलियंस ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो इस प्रोसेस में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है, जिसमें काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है, वुड क्या होती है स्लोली स्लोली कोल में कन्वर्ट हो जाती है, इंटरनल अर्थ के टेम्परेचर की वजह से, अपवर्ड सॉइल के प्रेशर की वजह से, जिससे को अपन ने फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं इनको। तो ये प्रोसेस जिससे कि वुड का कोल में कन्वर्ट होना एक लॉन्ग ड्यूरेबल टाइम के ड्यूरेशन, उसी को अपन क्या कहेंगे, कार्बोनाइजेशन। अब देखिए इसकी प्रोसेसिंग ऑफ कोल, प्रोसेसिंग मतलब कोल का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है उसको देखें। तो अपन देखें कार्बन जो होता है, कोल होता है, यदि उसको ऑक्सीजन गैस के साथ बाइंड करें, ऑक्सीजन गैस के साथ इसकी रिएक्शन होगी, और इसको अपन हीट देंगे, तो हीट देने पे या बर्न करेंगे तो ये कार्बन क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ये है इसकी केमिकल रिएक्शन। और कार्बन का यूज जो होता है एनर्जी रिसोर्सेज के फॉर्म में होता है, लाइक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड थर्मल पावर प्लांट, जहाँ इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और इंडस्ट्रियल पर्पज़ में एनर्जी की डिमांड है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोल का इंडस्ट्रियल पर्पज़ से भी मैक्सिमम यूज होता है, जिससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाने में हेल्प मिलती है। तो ये आपका आज का वर्क है, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है अपने साइंस रिकॉर्ड में। नेक्स्ट अपन स्टडी कोल के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।